हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि उनकी स्किन पे टैन की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो उसे कैसे रिमूव कर सकती हैं या उसे कैसे रिड्यूस कर सकती हैं जिससे उनकी स्किन टोन जो है वो लाइट रहे या लाइट हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं एक होम रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी स्किन टोन जो है वो लाइटन होगी और आपका जो टैन है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कौन सी है ये होम रेमेडी तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी टर्मरिक और लेमन जूस यानी कि नींबू के रस का पेस्ट, मतलब कि हल्दी पाउडर और नींबू के रस का पेस्ट। तो अगर आप इन्हें पहली बार ट्राई कर रही हैं तो उसे ट्राई करने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूर कर लें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको इनमें किसी भी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो आप इन्हें बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो सबसे पहले हम अपना पेस्ट बनाएंगे और उसके बाद इसे अपने फेस पे मैं अप्लाई करके और आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ इनके बेनिफिट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पेस्ट को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी, हल्दी पाउडर। तो यहाँ मैंने आधे चम्मच से ज़्यादा हल्दी पाउडर लिया है और नींबू। तो नींबू आपको इतना लेना है जितने में आपका पेस्ट बन जाए, मतलब कि नींबू और इन दोनों को मिक्स करके आपको अपना पेस्ट बनाना है। और एक बात, ये पेस्ट मैं अपने फेस के लिए बना रही हूँ, तो अगर आप अपनी बॉडी के लिए पेस्ट बना रहे हैं कि जैसे आपकी बॉडी पे भी टैन हो गया है तो आप पेस्ट को हल्का सा पतला रखें और साथ ही साथ क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें क्योंकि उसे आपको अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने लेमन इसमें पूरा ऐड कर दिया है और इसे मिक्स करते हैं, देखते हैं कि पेस्ट बनता है या लेमन इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा पेस्ट बन गया है लेकिन मैं इसमें हल्का सा लेमन और ऐड करूंगी क्योंकि पेस्ट बहुत ज़्यादा ठीक है। तो मेरा पेस्ट बन गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अब बारी है इसे अपने फेस पे अप्लाई करने की। मैं आपको पहले ही बता दूं कि किसी भी फेस पैक को अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके फेस पे कोई मेकअप, मॉइस्चराइजर या कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने फिलहाल मेकअप अप्लाई किया है लेकिन सिर्फ काजल और लिपस्टिक, तो मेरे स्किन पर कुछ भी नहीं है, मेरी स्किन अभी बेयर फेस है तो मैं इसे ईजिली अप्लाई कर सकती हूँ। इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद हम आगे की बातें करेंगे। फेस पैक को अप्लाई कर लिया है, अब इसके बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली बात यह है कि इसे यूज कब करना है और कितनी बार करना है। तो इस फेस पैक को आपको नाइट में यूज करना है क्योंकि हल्दी हमने अपने फेस पे अप्लाई की है तो हल्दी हमारी स्किन को स्टेन कर देती है, हमारा फेस येल्लो हो जाता है। तो दिन के टाइम में अगर आप हल्दी अप्लाई करेंगी तो उसके बाद आपको फेस वॉश यूज करना पड़ेगा, तो आपको फेस वॉश नहीं यूज करना है, इसलिए आप इस फेस पैक को नाइट में अप्लाई करना है। ओवरनाइट आप रहने दीजिए, उसके बाद सुबह आप अपने फेस को फेस वॉश से वॉश कर सकती हैं, आपके फेस पे जो भी हल्दी होगी वो रिमूव हो जाएगी। दूसरी बात, वीक में आपको इस फेस पैक को सिर्फ 2 से 3 बार ही यूज करना है, उससे ज़्यादा यूज नहीं करना है। तीसरी बात, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस फेस पैक को यूज़ करें। फिलहाल मेरी भी स्किन जो है वो हल्की सी सेंसिटिव है क्योंकि कहीं कहीं मुझे भी रेड स्पॉट हो जाते हैं, मैं कोई भी फेस पैक अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ। अब बात कर लेते हैं इस फेस पैक के फ़ायदे की। तो क्योंकि हल्दी और नींबू दोनों ही नेचुरल ब्लीच की तरह हमारी स्किन पे काम करते हैं तो ये हमारी स्किन के
जो टैन होता है उसे रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत जल्दी हमारी स्किन के टैन को रिमूव कर देते हैं। दूसरी बात, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो हल्दी पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तीसरी बात, अगर आपके फेस पे पिंपल और एक्ने हैं तो हल्दी पिंपल और एक्ने को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हल्दी आपके फेस के एक्ने और पिंपल को रिमूव करेगी। अब बात कर लेते हैं नींबू की। तो नींबू को अब हमें पहले ही पता है कि नींबू हमारे फेस पे नेचुरल ब्लीच की तरह काम करती है, जो हमारी स्किन टोन को लाइट करने का काम करती है। तो ओवरऑल इस फेस पैक का ये बेनिफिट है कि ये आपके स्किन टोन को लाइट करने के साथ साथ आपके फेस से पिगमेंटेशन, स्कार्स और तीसरी बात यह है कि पिंपल और एक्ने को भी रिमूव करता है। तो मतलब ये है कि ये फेस पैक हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप चाहें तो आप इसे इजीली फॉलो कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसे अप्लाई करने के बाद आपको इसे अपने फेस पे कितनी देर तक रखना है। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपको इसे अपने फेस पे 10 मिनट तक या 10 से 12 मिनट तक रखना है। उसके बाद आपको अपने फेस को क्लीन कर देना है। तो मैं अब इस फेस पैक को 10 मिनट तक रखूँगी, उसके बाद क्लीन करके आपसे मिलती हूँ। मैंने अपने फेस पैक को रिमूव कर दिया है क्योंकि 10 से 12 मिनट हो गए थे, और अभी आप देख सकती हैं कि इसने मेरे फेस को जो है वो स्टेन कर दिया है। मेरा फेस आपको येलो दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि इस फेस पैक को आपको नाइट में ही यूज़ करना है। डे में अगर आप यूज़ करती हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ अटका हुआ था। अगर आप इस फेस पैक को डे में यूज़ करती हैं तो ये आपके फेस को हल्का सा येलो बना देगा। तो इस येलो फेस के साथ आपको बाहर निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और आप उसके लिए फेस वॉश जरूर यूज़ कर लेंगी। तो इसलिए आपको इस फेस पैक को नाइट में ही यूज़ करना है। और अगर आप चाहती हैं कि आपको इसका अच्छा और विजिबल रिजल्ट मिले तो आपको इसे कंटिन्यू फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी फेस पैक ऐसा हो जो एक दिन में काम कर दे। एक दिन में सिर्फ ब्लीच ही अपना काम दिखाती है। अगर आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई DIY यूज़ कर रहे हैं, तो उसे आपको कुछ दिनों तक कंटिन्यू फॉलो करना होगा उसका विजिबल रिजल्ट पाने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मे बी इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। मे बी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने इसे कंटिन्यू फॉलो नहीं किया तो आपको इसका विजिबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिलहाल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी बॉडी पे टैन नहीं है, ना फेस पे है ना बॉडी पे है। तो इसलिए मैं इस फेस पैक को तभी यूज करती हूँ जब स्किन कभी ऐसा फील होता ना, थोड़ा सा डल हो गई है, या स्किन केयर रूटीन अच्छे से फॉलो ना करो, या थोड़ा सा जो शेड्यूल होता है वो हेक्टिक हो जाता है, मतलब कि स्ट्रेस भरा हो जाता है, तभी मैं इस फेस पैक को यूज़ करती हूँ। और इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ये रेमेडी आपके साथ शेयर की है। और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने वो आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है कि इस फेस पैक को अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो फेस टेस्ट जरूर करें। अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ 10 मिनट तक रखना है। दूसरी बात यह है कि वीक में आपको सिर्फ 2 से 3 बार फॉलो करना है। और लास्ट बात यह है कि आपको इसे सिर्फ नाइट में ही यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद आपको फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। जो भी हल्दी आपके फेस पे लगी हो आपको उसे ओवरनाइट के लिए अपने फेस पे रहने देना है, मतलब इस हल्दी के स्टेन को। मॉर्निंग में आप अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर सकती हैं, वो उससे आपकी जो हल्दी का स्टेन है वो रिमूव हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगी कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।